के त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के चेहरों पर उदासी है। दिए बनाकर बेचने वाले कुम्हारों का कहना है कि बाजार में जब से इलेक्ट्रिक झालरों का चलन बढ़ा है, तब से मिट्टी के दिए की पूछ परख कम हो चली है। कुछ साल पहले तक मिट्टी के दिए के बिना दीपावली की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब से चाइना मेड झालर आई है, तब से मिट्टी के दियों की बिक्री पर बहुत असर पड़ा है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप मिट्टी के दिए पर टैक्स माफ कर दिया गया है। साथ ही कलेक्टर ने भी लोगों से अपील की है कि दीपावली पर मिट्टी के दिए जरूर खरीदें। जिस पहल से कुछ बिक्री तो बढ़ी है, लेकिन पहले की तरह खरीदारी अभी भी नहीं हो रही है। बना बना था सुखोथन बनाथन रंगाथन हमला बना पाथन तो बना पाथन नहीं बना सकन ना तो हम खरीद के दिला थन और खरीद के ला था बेचा थन ना तब हम मेहनत के फल नहीं मिला थे और पूरा पैसा नहीं आवा थे। मिट्टी के ही दिए उपयोग में लाए और इन गरीबों का भी आजीविका चले, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे चाइना के आइटम अपनाएंगे तो एक दिन अंतर ऐसा होगा कि इनका दिया बिकना ही बंद हो जाएगा, जिससे हम लोगों को स्थानीय लोगों को काफी नुकसान होता है। हम लोग बहुत मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लोकल वेंडर्स है या फिर लोकल जो कुम्हार है जो दिए बनाते हैं मिट्टी के, उनको आवश्यक संरक्षण देने के संबंध में बात कही गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पूरे जिले में ये व्यवस्था बनाई है कि ऐसे कोई भी अगर मिट्टी के दिए बेच रहे हैं या फिर उसको बना के बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रिक झालरों की वजह से मिट्टी के दियों की जो खरीदारी है वो कम हो गई है। रोहित कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी इस वक्त, क्या इस बार कुम्हारों की दीपावली भी रोशन हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो मुखिया भूपेश बघेल है, उन्होंने सभी कलेक्टरों को और आमजनों को अपील करते हुए एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कुम्हारों से दिए खरीदने की बात कही थी। इसी के तहत जो मुंगेली जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे हैं, उन्होंने अनोखी पहल करते हुए पहले तो उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत आज कहा गया है कि कुम्हार के बने दिए खरीदने पर कर नहीं वसूली जाएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने आमजनों के साथ ही खास लोगों को भी अपील की है कि कुम्हारों से दिए खरीदे, ताकि दूसरों के घर जो रोशन करते हैं कुम्हार, उनके घरों में इस दिवाली जगमगा उठे, ये उनका कहना है। इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है, हम बाजार में भी गए हुए थे, काफी उत्साह देखा जा रहा है कुम्हारों में भी। और इस बार जैसे जिस तरीके से जो कर नहीं लिया जा रहा है, तो उसके बाद से और काफी लोगों की काफी भीड़ है दुकानों में, कुम्हारे के दुकानों में, और दिए खरीद रहे हैं तरह तरह के। जो पहले जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते थे वो लोग कुम्हारों की दुकानें पहुंचे, तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह देखा जा रहा है, उनके बच्चे भी काफी उत्साह होकर दिए बेच रहे हैं। ये सब नजारा निश्चित तौर पर कलेक्टर की पहल से देखने को मिला है मुंगेली में। शुक्रिया जानकारी के लिए।